नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि मित्रों, हम लोग जो है लेखपाल हिंदी के अंतर्गत जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपने जो है इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आज हमारे जो है बगल में एक जो है प्रोग्राम हो रहा है, जगराता हो रहा है, तो इसलिए जो है इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाएंगे। पहले तो मैं वीडियो नहीं शूट करना चाह रहा था क्योंकि नॉइस जो है बैकग्राउंड में आ रही थी, बट हम सोचे कि जो है आप लोगों से एक कनेक्शन जो बन रहा है, अगर ये वीडियो नहीं जाएगा तो मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम सोचे छोटा ही वीडियो सही, लेकिन जो है ये क्रम जो है टूटना नहीं चाहिए। तो आइए उसी क्रम में जो है शुरुआत करते हैं। तो ये आज जो है हम एक बहुत छोटा सा ही लेके आए हैं, मतलब जो है ये हाथी से संबंधित जो है कुछ है जो है प्रश्न आते रहते हैं, तो उसको एक साथ देख लेते हैं, जिससे जो है हमको बहुत ही आसानी होगी और हमारा जो है आसानी से तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं ये जो है रिलेटेड है हाथी से। तो इसमें जो हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला, हाथी पर जब बैठते हैं उसको बैठने के लिए एक जो है उस पर एक हाथी के पीठ पे एक चीज़ रखा जाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हौदा, ठीक है, जिस पे बैठते हैं। और हाथी हाँकने वाला छोटा जो भाला होता है उसको क्या बोलते हैं, अंकुश बोलते हैं। और जो हाथी को हाँकता है, मतलब जो व्यक्ति हाथी को हाँकता है, चलाता है, उसे महावत बोलते हैं। तो और जो हाथी का बच्चा होता है उसको कलब बोलते हैं, ठीक है, और जो हाथी का बच्चा होता है उसे कलब बोलते हैं, और भैंस का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं कटाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कटाह बोलते हैं, भैंस के बच्चे को। और जो उपनिवेश से संबंध रखता हो उसे औपनिवेशिक बोलते हैं। अपनी इच्छा से जो दूसरों की सेवा करते हैं, स्वयं सेवक, अपनी इच्छा, मतलब अपनी यहाँ देख रहे हैं आ रहा है और यहाँ स्वयं आ रहा है, तो इस प्रकार इसको क्या कर सकते हैं हम लोग रिलेट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, जिसे प्रमाण द्वारा ना सिद्ध किया जा सके, जिसको प्रमाण द्वारा ना सिद्ध किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपरमेय, ठीक है मित्रों। तो और इसमें एक है जो कठिनाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, उसको देख लेते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसको दुर्बोध बोलते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे एक आ रहा है समझना, क्या रहा है समझना, और यहाँ पे क्या रहा है बोध। तो समझना और बोध, और कठिनाई का होता है मतलब जो ये दुर जो आता है, दुर उपसर्ग, वो जो निगेटिव सेंस में ही आता है, तो इसको इस वजह से कठिनाई से समझने योग्य हो उसको दुर्बोध बोलते हैं, ठीक है। तो और देखते हैं, जो कठिनाई से मिलता है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, दुर्लभ, ठीक है। और जो कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय बोलते हैं, तो यहाँ जो है दुर्गेय बोलते हैं। और जो चलने में कठिनाई पैदा करे उसको दुर्गम बोलते हैं। यहाँ एक चीज़ और याद रखेंगे, मार्ग से, वह मार्ग जिस पे जाया ना जा सके उसको अगम बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और जो मार्ग चलने में कठिनाई पैदा करे उसको दुर्गम बोलते हैं। इसमें एक चीज़ और है, जो पहले था अब नहीं उसे भूतपूर्व बोलते हैं। इस बात को हम लोग ऐसे याद करेंगे, जैसे कि अगर कोई किसी पोस्ट पे काम कर रहा होता, जब वो रिटायर हो जाता है, तो आप लोग देखे होंगे कि उनके आवास के ऊपर क्या लिखा रहता है, उनके आवास पे लिखा रहता है, जैसे वो मान लीजिए वो क्या है, DM है, तो लिखा जाता है भूतपूर्व जिला अधिकारी। तो इस बात को ऐसे हम याद रखेंगे, ठीक है मित्रों। आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो इतना ही रखेंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है। और मित्रों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है,
और जिसका जो आज जो पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ वहाँ पे सेंड कर दी जाती है। आप लोग वहाँ से अपना खुद का नोट्स बनाएं तो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है मित्रों, मिलते हैं। और हाँ मित्रों, ये टॉपिक पे अभी जो है एक दो वीडियो लाने की और आवश्यकता है, जो इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत है उसको हम लोग आने वाले वीडियो में एक अच्छे से कलेक्शन करके लाएंगे। और वो जब वीडियो आएगा तो देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने का मिलेगा। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।